हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनफाइनाइट स्कोप इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, और इसको आज हम बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाता है। और भाई अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स इस वाली वीडियो में काफ़ी अच्छा रहा तो मैं शायद इसका प्रीमियर प्रो का भी ट्यूटोरियल लेके जल्द ही आ जाऊँ। और भाई आगे बढ़ने से पहले अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो, और भाई अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो को अपलोड करूँ आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो भाई चलो अब डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में चलते हैं और देखते हैं कैसे इस इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो भाई आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा क्लिप इम्पोर्ट किया हुआ है। तो सिमिलरली आप अपना क्लिप को इम्पोर्ट कर लेना और उस वाले पोजिशन पर आ जाना है जहाँ से आपको इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ से मेरा स्कोप 100% ओपन है। और भाई ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ BGMI के क्लिप में ही अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी गेम प्ले या फिर कोई भी कैरेक्टर किसी भी चीज़ के ऊपर में इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, इन्फिनाइट जूम इफेक्ट को। तो मैं यहाँ पर स्कोप में अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई विंडो में अप्लाई कर सकते हो इन्फिनाइट जूम करने के लिए, या फिर कोई कैरेक्टर के आई यानी कि आँख में अप्लाई कर सकते हो कि आँख के अंदर में इन्फिनाइट जूम जा रहा है। तो उस हिसाब से आप किसी भी गेम प्ले में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाना, उसके बाद अपना उस वाले पोजीशन पर आ जाना है जहाँ से आपका स्कोप 100% ओपन हो रहा होगा। उसके बाद अपना क्लिप को यहाँ से ट्रिम कर देना यानी कि स्प्लिट कर देना, और ये स्प्लिट हो गया है। देन एक नया कॉम्प को मैं क्रिएट करूँगा, न्यू कॉम्प यहाँ से क्रिएट कर लूँगा, और फर्स्ट वाले कॉम्प से यहाँ से इस वाले लेयर को जहाँ से मैंने स्प्लिट किया है कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा, और इस न्यू वाले कॉम्प पर आके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देन पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करना, न्यू पर आ जाना, एक कैमरा क्रिएट कर लेना है। डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा 50mm प्रीसेट का, ये डिफॉल्ट कैमरा रहेगा। देन ओके कर देना है, और इसके बाद में आपका प्लेहेड जो है ये स्टार्टिंग में पूरा प्लेस कर देना, और पेज डाउन आपको 5 बार प्रेस करना है तो आप 5 फ्रेम आगे आ जाओगे। तो मैं 5 बार प्रेस किया हूँ, 5 फ्रेम आगे आ गया हूँ। देन अपने इस क्लिप को क्या करना है, इस वाले पोजिशन पर प्लेस कर देना है। सो इतना तक हो गया है। देन क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग पर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं 80 फ्रेम लूँगा। 80 फ्रेम मैं इसलिए लूँगा क्योंकि मेरे को 80 फ्रेम का ड्यूरेशन चाहिए, मेरा जो जूम इन इफेक्ट होगा वो 80 फ्रेम का मैं रखूँगा। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग में, अपने क्लिप के अकॉर्डिंग में बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग पर आ जाऊँगा एंड कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस और राइट एरो की को 8 बार प्रेस करूँगा। तो भाई मैं यहाँ तक आ गया हूँ, देन अपना कॉम को यहाँ तक ये कर लूँगा और इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ। तो मेरा ये 80 फ्रेम का ड्यूरेशन है। तो इतना तक हो जाने के बाद में क्या करना है, आपको इस वाले लेयर पर आना है और राइट क्लिक करना और टाइम पर आना और यहाँ से फ्रीज फ्रेम कर देना। तो ये अब हमारा पूरा फ्रेम स्टिल हो गया है। अब इस पर अपन मास्क क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, यहाँ पर से आपको 3D को इनेबल कर देना है। यहाँ पर 3D मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो टॉगल स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ पर 3D मिलेगा, इसको इनेबल कर देना, और यहाँ से मोशन ब्लर को भी इनेबल कर देना। तो भाई इसके बाद में क्या करना है, इस वाले क्लिप को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से एलिप्स टूल में ले लूँगा क्योंकि मेरे को एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है। आप चाहो तो पेन टूल से भी कर सकते हो। उसके बाद मैं कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करूँगा और एक सिंपल मास्क क्रिएट कर लेता हूँ, और मास्क को अपने स्कोप के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लूँगा कि मेरे को कितना बड़ा या फिर कितना छोटा चाहिए। सो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका मास्क जो क्रिएट हो पूरा प्रिसाइज क्रिएट होना चाहिए। तो इस टाइप से मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। तो सिमिलर इतना मास्क को क्रिएट कर लेना और इसके बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देना है मास्क को। तो मेरा मास्क यहाँ से देख सकते हो कि इन्वर्ट हो गया है। अब मेरा क्या है, खाली स्कोप का ये पोर्शन रहेगा और मेरा जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। यहाँ से देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसके पीछे मैं चाहूँ तो किसी भी क्लिप को या फिर कोई भी इमेज को मैं इसके पीछे प्लेस कर सकता हूँ। इसको बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो भाई इतना हो जाने के बाद मैं इस फर्स्ट वाला क्लिप को सिलेक्ट करना, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेना, फर्स्ट वाला क्लिप को छोड़ देना, सेकेंड वाला क्लिप पर आ जाना और कीबोर्ड में पी प्रेस करना तो पोजीशन ओपन हो जाएगा। पी प्रेस करना तो पोजीशन ओपन हो जाएगा, और स्टार्टिंग वाले फ्रेम पर आ जाना, एक की फ्रेम अप्लाई कर देना, देन पेज डाउन 5 बार प्रेस करना तो 5 फ्रेम आगे आ जाओगे, और एक की फ्रेम को अप्लाई कर देना, और इसके बाद में इस जी पोजीशन को आपको चेंज करना है। कितना चेंज करना है वो आप अपना क्लिप के अकॉर्डिंग में चेंज करना। आप जो भी क्लिप यूज कर रहे हो, जो भी स्कोप यूज कर रहे हो, कितना आपको अंदर में आपको जूम इन करना है तो उस हिसाब से आपको ये करना है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। आप मेरा अगर सेटिंग्स को कॉपी करोगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप 8x
यूज कर रहे हो और इसी टाइप का आपके पास क्लिप है, तो आप सारा मेरा सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आपका डिफरेंट क्लिप है तो आपको इसको अपने अकॉर्डिंग में थोड़ा चेंज करके देखना पड़ेगा। और इसको मैं बढ़ाऊंगा, कितना तक बढ़ाऊंगा, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको ले जाऊंगा 800 तक। सो 800 में मेरा ये इफेक्ट निकल के आएगा। और इसके बाद में क्लिप को यहाँ से कंट्रोल सी करना है कॉपी, और लास्ट वाले पर्सन पर इसको पेस्ट कर देना है, इस वाले पोजिशन पर, लास्ट वाले पोजिशन पर भी पेस्ट कर देना है। कॉपी करो या फिर आप यहाँ पर जाके एक की फ्रेम भी अप्लाई कर दोगे तो आपका सेम सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो इतना हो गया है, देन इन सभी को सिलेक्ट करना और कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना, इजी यूज हो जाएगा। देन इस वाले क्लिप को मैं हाइड कर दूंगा यू प्रेस करके, देन कंट्रोल डी करूंगा, नीचे वाले क्लिप पर आना है, सेम पोजिशन को यहाँ से ओपन कर लेना है, इस वाले फ्रेम पर आ जाना है जहाँ पर मैंने 800 किया था, और इसको आपको बढ़ाना है क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट आ गया, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ। आप जितना अंदर तक जाओ, जितना दूर तक आपको जूम इन करना है, आप उतना ज़्यादा क्लिप का यूज कर सकते हो। सो इसको मैं और घट करता हूँ, तो इसको मैं बेसिकली कर दूंगा 1600 के आसपास का, और वापस से लास्ट वाले फ्रेम पर आ जाएंगे और इसको भी मैं 1600 कर दूंगा। देन अगेन कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, नीचे वाले क्लिप पर आऊँगा, इसको मैं लास्ट वाले फ्रेम को इसको कर दूंगा 2600। देन अगेन इस मिडिल वाले क्लिप पर आऊँगा और इसको मैं कर दूंगा 2600। ये सारे सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी की हुई थी, जो मैंने प्रीव्यू बनाने के टाइम में इसको मैं क्रिएट किया था, तो मेरे को ये सारी सेटिंग्स याद है। आपको क्या करना है, आपको इसको कम या फिर ज़्यादा करके देखना है कि आपका स्कोप कितना अंदर जा रहा है या फिर आपका इफेक्ट कितना अंदर जाना है। जैसे कि मैं ज़्यादा कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड भी दिखने लगा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मैं इसको सिंपल 2600 मैंने जो रखा था, तो मेरा यहाँ पर अच्छा से क्रिएट हो गया था। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसका और एक डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी करके, और इस वाले को मैं कर दूंगा यहाँ से 3700, और लास्ट वाले फ्रेम को कर दूंगा अगेन 3700। देन अगेन कंट्रोल डी इसको करना है, इस क्लिप को, और इसको मैं फिर से कर दूंगा 4700। देन फर्स्ट वाले फ्रेम पर आना है और इसको मैं कर दूंगा 4700। तो ये सारी सेटिंग्स मैंने पहले से की हुई थी, इसलिए मेरे को याद है। तो आपको क्या करना है, एक एक क्लिप में आना है और आपको इस जी डिस्टेंस को बढ़ा बढ़ा के देखते जाना है कि आपका कौन सा परफेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपका कहाँ पर इफेक्ट अच्छा से क्रिएट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो मैं इसको 5600 कर देता हूँ, और इसका मैं लास्ट डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा, और इसका वैल्यू को मैं कर दूंगा 6500। देन मिडिल वाले की फ्रेम पर आऊँगा, इसको भी कर दूंगा 6500, और इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हो कि मेरा इफेक्ट कुछ इस टाइप का क्रिएट हुआ है। सो मैं इसको अगर क्वार्टर में प्ले करके दिखाऊँ तो ये मेरा इस टाइप का आया। मैंने जो यहाँ पर 5 फ्रेम आपका जो बताया था, ये जो 5 फ्रेम, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 0 रहेगा, देन थोड़ा सा हल्का ये ब्लर के टाइप का अंदर जाएगा, और इसके बाद में इस पर अब हम कैमरा मूवमेंट अप्लाई करेंगे। अभी मैंने किया नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। सो कैमरा मूवमेंट जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आप टनलिंग, मतलब यहाँ पर एक टनलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा कि आप स्कोप के अंदर में घुस रहे हो। सो उस टाइप से इसको आप क्रिएट करना है। सो इतना हो गया है, देन अब इस पर हम जूम इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए आपको कीबोर्ड पर यहाँ पर आ जाना है, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना, ठीक, और इसके बाद में यहाँ से 1 व्यू को कर देना है 2 व्यू। तो अगर आप जब 2 व्यू कह रहे हो तो मे भी ये हो सकता है कि आपका ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाए। सो अगर आपका ब्लैंक होता था तो आप इसको क्या करना, अपना प्रोजेक्ट को सेव कर लेना, आफ्टर इफेक्ट्स को रीस्टार्ट कर लेना, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेना, और इसके बाद में इसको सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इस वाले पोजिशन को आपको जूम कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद में आपको पी प्रेस करना है, पोजीशन के लिए एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है, की फ्रेम अप्लाई कर देना पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर आपको एक की फ्रेम देखने के लिए मिल जाएगा। देन एक की फ्रेम को क्या करना, लास्ट में प्लेस करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना, इस वाले पोजीशन कहीं पर भी आप आ जाओ, और इसके बाद में यहाँ से जो जी डिस्टेंस है, ये जी, इसको पकड़ना है आपको, यहाँ से जी को पकड़ना है और इसको आपको जूम करते जाना है। आप इतना करना कि आपको कितना अंदर तक जाना है। सो मैं इसको जूम करता जाता हूँ, जूम करता जाता हूँ। सो मैं इसको यहाँ तक जूम कर दूंगा, जहाँ से मेरा स्कोप ये पूरा ब्लैक हो जा रहा है, तो इतना तक कर दूंगा। और इसके बाद में इस वाले की फ्रेम को पकड़ना, इस लास्ट पर प्लेस कर देना है, यहाँ पर लास्ट वाले पोजिशन पर प्लेस कर देना। तो अब देखो किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट होगा। सो आप ऐसा लगेगा कि आप टनल के अंदर में जा रहे हो, तो इस टाइप से आपका इफेक्ट क्रिएट होगा। तो आपका जितना ज़्यादा लेयर रहे उसके अकॉर्डिंग में आप कर सकते हो। तो इतना कर देना,
और मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले फ्रेम पर आ जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर 8000 कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले 8000 करके क्रिएट किया था, सो मैं इसको 8000 कर दूंगा यहाँ से। तो इतना होने के बाद में इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना और कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना, इजी हो जाएगा। देन इसको हाइड कर लेना और यहाँ से आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो ए वाला जो लेयर रहे, ये जो आपका जो है, मेक श्योर कि आपका यहाँ से ये टॉप सिलेक्टेड रहे, ठीक। जैसे आप टू व्यूज करोगे तो यहाँ से टॉप सिलेक्टेड रहे, अगर टॉप नहीं है तो आप इसको टॉप सिलेक्ट कर लेना और आपका इस टाइप का व्यू आ जाएगा। और यहाँ से मेनली आपको जी डिस्टेंस को ही चेंज करना है, कोई अदर को मत करना, नहीं तो आपका पोजिशन गड़बड़ हो जाएगा। और इस जी डिस्टेंस को चेंज कर लेना। तो इतना होने के बाद में वापस मैं वन व्यू पर आ जाता हूँ। सो इतना होने के बाद में इन सभी को मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, देन इसके बाद यहाँ से प्री कॉम कर दूंगा और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स करके ओके कर दूंगा। और इस वाले डेमो क्लिप से इस वाले लेयर को यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा और इस पर स्टार्टिंग में आके इसको प्लेस कर दूंगा। और इस वाले कॉम का मैं जो ड्यूरेशन है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। सो ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कंपोजिशन सेटिंग्स पर आ जाना, यहाँ से मैं 10 सेकंड का, आप जितना भी बड़ा चाहो उतना कर सकते हो, तो मैं 10 सेकंड का करूंगा। उसके बाद इस वाले क्लिप को मैं इसके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा जहाँ से मेरा ये स्कोप ओपन हो रहा है। सो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और प्लेस करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको इसके ऊपर में प्लेस करता हूँ और 5 फ्रेम पीछे आऊँगा। सो यहाँ पर आऊँगा और एक मार्कर अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा क्योंकि मैंने 5 फ्रेम छोड़ा था। तो भाई इतना हो जाने के बाद में अब हमारा स्कोप जो क्रिएट हुआ है, स्कोप इफेक्ट जो क्रिएट हुआ है, इसके पीछे में जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है या फिर आप बोलो कि जो ट्रांसपेरेंट आ रहा है, इसको मुझे फिलअप करना है। सो इसको फिलअप करने के लिए क्या करना, अपना इस वाला क्लिप जो आपने ये किया था इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेना और यहाँ पर आ जाना और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। और इसके बाद में हमारा जो एनिमी है, ये हमारा एनिमी का सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस टाइप से आपको प्लेस कर देना है जैसे कि हमारा स्कोप ओपन हुआ, एनिमी है। अब इस पर आप चाहो तो इस पर स्लो मोशन अप्लाई कर लेना ताकि हमारा जितना दूर स्कोप जो जूम इन हो रहा है उतना दूर हमारा एनिमी का ये सर दिखते रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और मैंने जो यहाँ पर जो कॉम क्रिएट किया था यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा और इस पर मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं नीचे ले आऊँगा और इसको मैं इस टाइप से प्रेस करूँगा। तो अब देखना कि मेरा यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको ट्विस्टर अप्लाई किया हुआ था, इस वाले वही सेम क्लिप है उस पर मैंने ऑलरेडी ट्विस्टर अप्लाई किया था। तो आप अपना अकॉर्डिंग में ट्विस्टर वगैरह अप्लाई कर लेना, स्लो मोशन कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 10% का स्पीड इस पर रखा था ताकि मेरा जब तक का ड्यूरेशन रहे तो हमारा जो करेक्टर है इस टाइप से ये रहे। तो इसको करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग में अपना एडजस्ट कर लेना और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं आप ट्विस्टर वगैरह अप्लाई कर लेना और देख लेना कि कहाँ से आपको ये चाहिए। तो ये सब सेटिंग्स को आपको करके देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी इस पर क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर देख लो मेरा ये सिंपल सा आया। अगर मैं इन सारी एडजस्टमेंट लेयर को हाइड कर दूँ तो ये सिंपल सा हमने अभी जो इफेक्ट क्रिएट किया, सेम इफेक्ट मैंने इसको डेमो के लिए क्रिएट किया था। ये आया हमारा स्कोपिन हुआ और यहाँ पर हमारा जूम हुआ और ये इसके अंदर में टनलिंग इफेक्ट आया, टनलिंग इफेक्ट आया और यहाँ पर हमारा शॉट लगा है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसको अपने मोंटाज वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को ऑन करूँ तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर ऑप्टिक्स कंपनसेशन का यूज किया है। एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट वाई करके एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेना या फिर राइट क्लिक करना, न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेना और यहाँ पर इफेक्ट्स में आके सर्च करना ऑप्टिक्स कंपनसेशन तो आपको मिल जाएगा। और क्या करना, इस टाइप से मैं मेरा क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्टिंग में आया हूँ और यहाँ पर इसको फील्ड ऑफ व्यू में इसको 0 कर दिया है। उसके बाद में यहाँ से रिवर्स लेंस डिस्टॉर्शन को ऑन कर देना है। देन आगे आ जाना, इस वाले पोजिशन पर आ जाना जहाँ पर आपका इफेक्ट आ रहा है, मतलब जहाँ पर आपका ये एंड हो रहा है टनलिंग इफेक्ट, वहाँ पर मैंने 150 कर दिया है। सो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इतना होने के बाद में और एक इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, अगर मैं इन सबको अनहाइड करूँ तो एक ट्विच इफेक्ट अप्लाई किया था जहाँ से मेरा ये स्कोप ओपन हो रहा है। तो ट्विच इफेक्ट, सिंपल सा ट्विच इफेक्ट अप्लाई किया है। देन लास्ट में मैंने टर्बुलेंट डिस्प्ले अप्लाई किया है जहाँ से मेरा शॉट लग रहा है इस टाइप से, टर्बुलेंट डिस्प्ले, और इस पर मैंने CC अप्लाई कर दिया है, बेसिक सा CC, और इस पर स्प्लिकर अप्लाई किया है। तो बाकी सारी चीज़ें करने के बाद में आप चाहो तो इसको और भी अपने अकॉर्डिंग में कस्टमाइज कर सकते हो। स्कोप पर अगर आपको कोई इफेक्ट देना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ग्लो वगैरह देना है, नियॉन ग्लो वगैरह देना है, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक सा इफेक्ट है गाइज, आप इस टाइप से इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी से जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। और अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और एक नए ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।